चलिए चलिए चलिए, आज हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसी रेसिपी जो दिलों को छू जाए और आपके जो इतना अच्छा आपको टेस्ट आए कि आप वाकई याद रखें कि वाकई किसी ने ऐसी रेसिपी बताई है। सब लोग काजू टुकड़ा डाल के जो है पेस्ट बना के ये वाली रेसिपी में डालते हैं, लेकिन आज हम कुछ और डालेंगे। शुरू करते हैं। ये लिया है मैंने 1 किलो विथ बोन मटन, और अब इसमें डल रहा है 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला 2 चम्मच पाउडर, ये सॉल्ट जो है 3 से 4 चम्मच, थोड़े कसूरी मेथी थोड़ी, और एक नींबू का रस। इसमें गाइज ये सब जाएगा, अच्छे से मिक्स करना है आपको। दही के डलेंगे इसे 2 से 3 बड़े चम्मच, ये ठीक है, और अच्छे से मिक्सिंग करनी है, ज़्यादा नहीं हमने करना है इसको। अच्छे से हाथों से ऐसे मसल मसल के मिक्स करके बढ़िया रेसिपी बनाएंगे गाइज, ये बहुत मज़ेदार बनेगी। इसको आप फ्रीज कर लीजिए, मतलब अपना रेफ्रिजरेट कर लीजिए 2-3 घंटे। अब मैंने लिया है इसमें ऑयल, ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल यूज़ करती हूँ मैं। इसकी रेसिपीज बहुत अच्छी बनती हैं गाइज, ये ऑयल से बना के देखिए आप। ये ऑयल से अभी जो है तेज़ गर्म हो गया है हमारा ऑयल। अब मैं इसमें बिल्कुल थिनली स्लाइस जो है अनियंस डाल रही हूँ, 4 से 5 बड़े वाले, अच्छे गोल्डन होने तक इसको तल लीजिए, क्योंकि जैसे हम बिरयानी में ऊपर से डालते हैं, इसमें कोरमे में ऐसे ही डलता है गाइस। ये जो रेसिपी बहुत अरसों से चलती आ रही है, तो अब इसको निकाल लेंगे हम, और उसके बाद हम यही ऑयल में फिर से 2 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे गाइस। जब थोड़ी सी भुन जाए फिर हम डालेंगे मैरिनेटेड वाला चिकन। ये मेन स्टेप है इस रेसिपी का, इसको आपको अच्छे से तेज़ गैस पे भुनना है गाइस, स्लो नहीं करना है, अच्छे से भुनिए तेज़ गैस पे। भुनने के बाद जब ये इसमें पानी छोड़ जाएगा चिकन, उसके बाद हम जो है इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अच्छे से भुनने के बाद जो है इसमें आपको अदरक लहसुन पेस्ट डालना है, ठीक है, आपको बताऊंगी मैं कब डालना है। और अभी जो है देखिए हम सूखे मसाले कर लेते हैं, तेज पत्ता ये वो सब, ये आलमंड सोख लिए थे मैंने थोड़े, आपको बताऊंगी क्या करना है, ठीक है। और अभी इसके अंदर देखिए मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज 5 से 6, आप 7 से 8 भी डाल सकते हैं, अच्छा करारा अच्छा दिखता है। और तली हुई प्याज डालना है, ठीक है, और इसमें आपको जो है पानी डाल के ये पेस्ट नहीं बनाना है, ठीक है। हम जो है इसमें दही डालेंगे 2 चम्मच दही अच्छे से भर के, और इसकी आपको अच्छे से पेस्ट बनानी है। तभी मैंने बोला था कि काजू की जगह हम बादाम डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुद की अजमाई हुई एक रेसिपी है। अब चलिए गरम मसाला घर में प्रिपेयर करते हैं। तेज पत्ता, जावित्री, लौंग, ग्रीन इलायची, ये दालचीनी और नटमैग, ये सब डाल के ना, और ये 2 बड़ी इलायची, हम इसका पाउडर बनाएंगे, शाह जीरा या नॉर्मल जीरा, ठीक है। चलिए हमारे चिकन की तरफ नज़र मारेंगे, हम पानी जो है थोड़ा छोड़ दिया है, थोड़ा सूखना भी लगा है। अब ये पॉइंट पे हमको 1 से 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट फिर से डालना है, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट याद रखिए डालना है दोबारा। अब हम भुनने के बाद उसको 5 मिनट भुनने दीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद फिर अब हम डालेंगे इसमें ये जो प्यूरी बनाई है, मतलब पेस्ट बनाई है बादाम की, ये डाल के अब इसको अच्छे से 5 से 8 मिनट तक भुनेंगे, ठीक है, ताकि अच्छा मसाले रच जाए, कच्चापन नहीं ना रहे, ठीक है। देखिए ऐसा ऐसा कलर आना चाहिए गाइस। तो अब डलेगा इसमें जो गरम मसाला हमने पीसा था घर में, तो ये मसाला आप स्टोर करके रख सकते हैं, कोई भी चिकन की रेसिपीज में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा आएगा। चलिए देखिए मैंने तेज़ गैस पे भुन भुन के ऑयल छोड़ दिया, घी पूरा छोड़ दिया है, तो दैट मीन्स हमारा मटन हाफ कुक हो गया है, तो बहुत अच्छा कलर आएगा और टेस्ट तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। तो टेस्ट तो इतना बढ़िया आएगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बटर नान रोटी चावल के साथ खाइए, साबुत लाल मिर्चें भी डाल दीजिए इसमें, ठीक है। अब डलेगा मेन ये रेसिपी का जो है 1 कप भर के देसी घी गाइस, ये ज़रूरी है, ज़रूरी है, डालना है आपको, क्योंकि इसी से ही मटन का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको ग्रेवी चाहिए तो आप जो है 1 ग्लास भर के पानी डाल दीजिए, ठीक है। नहीं चाहिए तो आप जो है इसको ऐसे भी 1 विसल 2 विसल पे लगा के कुक कर दीजिए। चलिए मैंने इसको 2 विसल्स लगाए थे मटन को, क्योंकि मैरिनेटेड था, नींबू का रस था, सब था, तो अच्छे से गल जाता है। तो हमारा मटन जो दिल्ली वाला, पुरानी दिल्ली वाला मटन कोरमा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर, बाय।